अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और मज़ेदार सा गेम खेल रहे हैं। कल जो हमने गेम खेला था, हाँ भाई, जो हमने अल्फाज बनाए थे और उर्फ में हुर्फ की तरतीब जो थी बिल्कुल चेंज थी, उलट पुलट थी और हमने उनको मिला के अल्फाज बनाए थे। बड़ा मज़ा आया था ना उसके अंदर। तो आपने मुख्तलिफ अल्फाज निकाले अपने मज़मून में से, अपने सबक में से, और दोस्तों के साथ में खेला था ना, मज़ा आया था ना। ये गेम बड़े मज़े का होता है, बहुत मज़ा आता है। और इसी तरह के अच्छे अच्छे खेल खेलने में क्या होता है कि हम खेल भी खेलते हैं और साथ साथ हमें क्या होता है कि हम चीज़ें भी सीखते जाते हैं। तो जनाब, इसी तरह के गेम खेलते रहा करें ताकि आपकी भी ज़हानत में इजाफा हो और आपके दोस्तों की भी। ठीक है जनाब, अब क्या करते हैं, आज भी हम नया काम करेंगे जनाब, यानी कि अपना सबक खोलेंगे। सबसे पहले कौन सा सबक हम पढ़ रहे हैं? सबक नंबर 11 पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 11 का नाम क्या है भाई? मेरा दोस्त बादल। जबरदस्त भाई, याद है मेरा दोस्त बादल, जिसमें हारिस की दोस्ती हो गई थी बादल से और बादल उनके दोस्त बन गए थे। तो जनाब, हम इसके इस सबक को हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, रीड भी किया है और अब हम उसकी मशकें कर रहे हैं। तो जनाब, आज भी करते हैं इसका, इससे ही रिलेटेड एक काम, इसकी मशक करते हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे जी जनाब? किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलेंगे। सफ़ा नंबर 81 यहाँ पे खुल चुका है जी जनाब। सफ़ा नंबर 81 यहाँ पे खुल चुका है, देखते हैं सफ़ा नंबर 81 में क्या काम मौजूद है, क्या काम करना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि हमने सबक बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, समझ के पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो हमें ये मश्क अच्छे से आनी चाहिए। तफहीम की मश्क मौजूद है हमारे पास, देखते हैं कि इस मश्क में हमें क्या करना है। दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मंदरज ज़ेल जवाबात के सवालात बनाइए। जी जनाब, हमें अल्फाज को जो के सवालिया अल्फाज हैं, हर जवाब के आखिर में दिए गए हैं, उस जवाब का सवाल बनाना है। यानी कि हमारे पास सवालिया लफ्ज़ मौजूद है, सवालिया लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए हम सवाल बनाएंगे। जवाब हमारे पास मौजूद है, सवाल बनाने, और सवाल कौन बनाता है? जो कि बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत अक्लमंद होते हैं, वो लोग सवाल ज़्यादा करते हैं, चुप नहीं बैठते। तो हम भी नहीं बैठेंगे चुप, और हम भी करते रहेंगे सवाल। ठीक है जना, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास पहला जवाब क्या है। शाम को दोनों बाहर गए। जी जनाब, शाम को दोनों बाहर गए, पहला जवाब है हमारे पास और इसका हमने सवाल बनाना है। सवाल या लफ्ज हमारे पास मौजूद है, कब कब कब। जी जनाब, बनाइए सवाल, क्या बनेगा इसका? शाम को दोनों बाहर गए, तो हम इसका सवाल क्या बनाएंगे? आपके ख्याल में क्या सवाल होना चाहिए इसका? दोनों कब बाहर गए? बिल्कुल जनाब, दोनों कब बाहर गए, तो जवाब में आएगा शाम को दोनों बाहर गए। तो शाम जो है वो सवाल में से हम निकाल दिया, हमने दोनों कब बाहर गए, दोनों कब बाहर गए, शाम को दोनों बाहर गए, दोनों कब बाहर गए, शाम को दोनों बाहर गए। सवाल नंबर दो का हमारे पास जवाब मौजूद है, सवाल नंबर दो हमने बनाना है। जवाब है, हारिस बादल और हारिस झील पर गए। बादल और हारिस झील पर गए, हमने सवालिया निशान, यहाँ पे सवालिया लफ्ज मौजूद है, कहाँ 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 भाई? जी जनाब, सवाल बनाइए, बादल और हारिस झील पर गए, सवालिया लफ्ज है, कहाँ? तो बनाइए इसका सवाल, क्या बनेगा सवाल भाई? सोचे सोचे, कहाँ बादल और हारिस कहाँ गए, बादल और हारिस कहाँ गए, और इसके आखिर में हम क्या लगाएंगे? सवालिया निशान। जी जनाब, बादल और हारिस कहाँ गए? बादल और हारिस झील पर गए। बादल और हारिस कहाँ गए? सवालिया निशान, बादल और हारिस झील पर गए। हमारे पास जवाब नंबर तीन है, बादल सुरमई रंग का था। बादल सुरमई रंग का था, बादल सुरमई रंग का था। सवालिया जुमला बनाना है हमने, सवालिया लफ्ज मौजूद है, किस किस किस। जी जनाब, बताइए किस। बादल सुरमई रंग का था, सवाल क्या बनेगा? सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी से बताइए, बादल किस रंग का था? जी जनाब, सवाल ये लफ्ज हमारे पास मौजूद है, किस ब्रैकेट में मौजूद है, किस हमने बनाया इसका सवाल, बादल किस रंग का था, बादल किस रंग का था, बादल सुरमई रंग का था। जवाब नंबर चार है हमारे पास, इसके कमरे से सफ़ेद भाप निकल रही थी, इसके कमरे से सफ़ेद भाप निकल रही थी, क्या
सवालिया लफ्ज है हमारे पास क्या, सवालिया लफ्ज है हमारे पास क्या, क्या को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाना है सवाल। तो सोचे 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 क्या सवाल बनेगा, सवाल बनेगा जीव, सवाल बनेगा इसके कमरे से क्या निकल रहा था, इसके कमरे से क्या निकल रहा था, इसके कमरे से सफेद भाप निकल रही थी, इसके कमरे से क्या निकल रहा था, इसके कमरे से सफेद भाप निकल रही थी। जनाब हम दोबारा से करेंगे इन सारे सवालों जवाब को, एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि हमने क्या बनाए थे भाई। हमारे पास जवाब था शाम को दोनों बाहर गए, सवाल बनाया हमने दोनों कब बाहर गए, सवालिया निशान। जवाब था दूसरा हमारा बादल और हारिस झील पर गए, सवाल हमने बनाया बादल और हारिस कहाँ गए, सवालिया निशान। जवाब नंबर तीन था हमारे पास बादल सुरमई रंग का था, सवाल हमने बनाया इसका बादल किस रंग का था, सवालिया निशान। जवाब नंबर चार है इसके कमरे से सफ़ेद भाप निकल रही थी, सवाल नंबर चार हमने इसका बनाया इसके कमरे से क्या निकल रहा था, सवाल या निशान। तो जनाब हमने ये तफहीम की मश कंप्लीट कर ली है, अब क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, सवाल बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पेंसिल शॉर्प कीजिएगा, और जब काम कंप्लीट कर लें तो मम्मा पापा को ज़रूर रीचेक कराइएगा ताकि पता चले कोई गलती तो नहीं है, और जब काम रीचेक करा लें तो टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.